तो जी कमाल का जो है ना हमारा कोरमा जो है आप रेडी है, देखें बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना हमारा रेडी हो चुका है। अब जो है इसको डिश में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली। तो आप सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि हम आपके साथ क्या शेयर करने वाले हैं। तो मैंने ले लिया है एक पाव ऑयल, और तकरीबन ये है मेरे पास एक पाव ही मैंने ली है प्याज। तो जी गोल्डन सा हमने जो है क्यूट सा इसका कलर लेके आना है, जैसे हनुमान कोरने का होता है बिल्कुल वैसे ही जो है ना इसको हमने फ्राई करना है। तो जी देखिए लाइट सी गोल्डन सा कलर आ गया है हमारे प्याज का, बहुत लाइट सा कलर। और अभी जो है ना आपने स्पून चलाते रहना है, स्पून को जो है ना रोकना नहीं है। अगर स्पून को आपने रोक लिया ना, प्याज को मतलब छोड़ दिया आपने ऑयल में, गरम ऑयल में, तो आपका जो है ना इतना अच्छा कलर नहीं आएगा। तो जी देखें कलर जो है ना बहुत अच्छे से हमारा आ गया है। अब जो है इसको जो है निकाल लेंगे। चूल्हे की आंच जो है हमने बिल्कुल जो है ना हल्की कर देनी है, और इस तरीके से जो है हमने इसको निकाल लेना है बर्तन में जो है हमने कर लेना है इसको। देखें ये मोबाइल में ऐसे लग रहा है कि डार्क है, लेकिन ये बिल्कुल लाइट कलर है। तो जी ये हो गया। अब जो है इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे, तब तक दूसरा प्रोसेस शुरू। तो जी मसाले अब गरम मसाले डाल देंगे। हरी इलायची है और लौंग है हमारे पास, ये तकरीबन ये है मेरे पास 8 ये हैं और 10 से 12 ये हैं, और लौंग है 2 बड़ी इलायची हैं, दालचीनी के 4 से 5 हैं, काली मिर्च हैं जो तकरीबन 15 से 20, और तेज़पत्ता ये हम ऐड कर लेंगे। रहीम देखें अच्छे से जो है ना हमने हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है, बहुत हल्की आंच पे, ताकि ये इसकी महक जो है और इसका जायका जो है बिल्कुल ऑयल में अच्छे से आ जाए। तो जी अब जो है 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे ज़ीरा। मसाले जो है हमने गरम मसाले जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब जो है हम डाल देंगे चिकन। चिकन को जो है बहुत अच्छे से हमें फ्राई करना है। तो ये चिकन जो है हमारा फ्राई हो चुका है। अब जो है हम डाल देंगे अदरक, तकरीबन ये 1 स्पून है। लहसुन है ये भी 1 स्पून है, सॉरी 2 स्पून है। तो इसकी क्वांटिटी हमने ज़्यादा रखी है। तो अच्छे से अब जो है हम दोबारा फ्राई करेंगे। बहुत अच्छे से हमने फ्राई करना है बहुत अच्छे से। अब जो है धनिया पाउडर है 2 स्पून, हल्दी है 1 स्पून, और किसी भी लाल मिर्च है ये कश्मीरी लाल मिर्च है 2 स्पून, और गर्म मसाला 1/4 स्पून, और नमक 2 स्पून ये ऐड करेंगे। अब जो है फिर से अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, ताकि अच्छे से जो है कलर भी बाहर आ जाए। अच्छे से जो है हमारा भून गया, आंच जो है मैंने बिल्कुल हल्की कर दिए। अब जो है मैंने पेस्ट बना लिया था बहुत अच्छे से, तो ये अब ऐड कर लेंगे। और तो मैंने क्वांटिटी आपको नहीं बताई, देखें मैंने 1 किलो चिकन लिया है, तो 1 किलो चिकन के हिसाब से मैंने डाला है, 1 पाव के हिसाब से 1 पाव ऑयल डाला है, 1 पाव जो डाला है मैंने
प्याज तकरीबन क्वांटिटी देख लीजिएगा आप इसी हिसाब से है, और एक पाव मैंने लिया है दही, और गरम मसालों का हिसाब मैंने दो दो स्पून का लिया है। तो ये जो है बहुत अच्छे से जो है हमारा हो गया। देखें कलर चेक करें आप, देखें कितना जो है ना मज़ेदार सा जो है ना, घर में कैसे बनाते हैं देख जैसा कोरमा, तो यकीनन आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना मज़ेदार सा जो है ना हमारा कोरमा बनकर तैयार होगा। देखें देखें घर के मसाले का बहुत आसानी से बन जाता है, और एक तो स्पाइसी नहीं होता बहुत, बाहर का मसाला जो है बहुत स्पाइसी होता है, तो घर का मसाला जो है स्पाइसी नहीं होता। नॉर्मल जो है ना बच्चे हैं बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं तो ये सब जो है खा सकते हैं। तो इस तरीके से बनाएं और बहुत इंजॉय करें। दावतों में भी बहुत इस तरीके से जो है बना के खाया जाता है, अनुमन में बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा जो है सबको अच्छा लगता है। तो ये देखिए अब जो है मैंने रख देना है इसको दम पर, तो तकरीबन इसको 5 मिनट तक हमने रखना है दम पर, क्योंकि चिकन भूनते भूनते भी हमारा गल गया था। तो जी 5 मिनट हो गए, देखें बहुत अच्छे से जो है हमारा मसाला और ग्रेवी जो है बहुत अच्छे से बन गई है। देखें कितना अच्छे से जो है कलर जो है ना, देखें कितना मज़ेदार सा आ गया, अच्छे से हो गया। अब जो है हम डाल देंगे खोपरा, ये ही हमारा सीक्रेट मसाला है, जो कि खोपरा नहीं डालेंगे तो हमारा जो है बहुत अच्छे से मसाला नहीं बनेगा। अमूमन जो है ना देगों में बिरयानी और उसमें सॉरी देगों में जो है ये डाला जाता है, जो बड़े बड़े होटलों में जो खाया जाता है और शादियों में जो है बनाया जाता है, तो इस तरीके से जो है खोपरा डालते हैं ताकि वो अच्छे से जो है ना जायका जो है मुझे आता है क्रीमी क्रीमी सा, तो इस तरीके से आता है। तो अब जो है मैंने खोपरा डाल दिया, तो 1 सेकंड को हमने फिर से दम पे रखना है। तो जी बहुत मज़ेदार सा जो है कोरमा हमारा रेडी है, बिल्कुल देख की तरह हमने बनाया है, बिल्कुल रेसिपी बहुत ही आसान सी और झटपट 10 मिनट में हमारा जो है ये कोरमा रेडी हो गया था। तो जी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपनों का रखें ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।